काइंडली प्रोवाइड द लेफ्ट ओवर पीडीएफ। जरेशो मिक्सर पीडीएफ की अपलोड 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 नहीं किया। गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार। कैसे भाई आप सब लोग? उम्मीद करो बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे। शुरू करें? आई एम ऑल्सो फाइन, एंड व्हाट अबाउट यू? ठीक है भाई, शुरू करते हैं आगे। देखो, एज वैसे होता तो आसान ही है, लेकिन पढ़ लेंगे थोड़ा सा तो समझ आ जाएगा। रेशियो के रेशियोज ही हैं बस, थोड़ा सा और कुछ भी नहीं है। चार पांच क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ इसके, उसी में आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, देखो कैसे होगा। रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 2:3, 2:3 5 years ago, after 5 years it will become, three is to four. Find sum of their प्रेजेंट एज। क्लियर? 5 साल पहले ए बी की आयु का अनुपात 2:3 था, और 5 साल के बाद यह अनुपात 3:4 हो जाएगा। तब वर्तमान आयु का योगफल क्या है?
देखो इसमें क्या है, जब भी एज की बात चलेगी तो एक डेडलाइन आप प्रेजेंट के लिए डालोगे, उससे ऊपर लिखोगे आप पास्ट का पार्ट, उसके नीचे लिखोगे आप फ्यूचर। बस 2 मिनट ध्यान से सुन लेना, उसके बाद सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं, ठीक है। 2:3 का रेशियो है और ये 3:4 हो जाएगा, क्लियर। अब यहां देखो आप ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है कि अगर 5 साल पहले 2 साल का था तो अब वो 3 का हो गया, इसका मतलब अंतर यहां 1 बढ़ गया। ये 3 का था, 4 का हो गया, अंतर 1 बढ़ गया, 1 नहीं बढ़ा। ये देखो 5 साल पहले की बात है, मतलब ये 2020 चल रहा है, तो 2020 से 5 साल पहले 2015 और 5 साल के बाद 2025, बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब 2015 से 2025 10 साल हो गए, तो 1 की वैल्यू 10 साल, 1 की वैल्यू 10 साल, तो जो 2 है उस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां ले आओ, 2 × 10 20 साल, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 साल। तो इसका मतलब ये 20 साल का 2015 में था, तो इसमें 5 जोड़ दूंगा तो 2020 में 25 का हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये 35 का हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका मतलब 60 साल। इनकी एज का जो सम होगा वो 60 ईयर्स होगा हमारा आंसर। तो बहुतों का है 60 साल, किसी का 70 भी आया है, किसी का 50 भी लिखा हुआ किसी ने, ठीक है। थोड़ी सी बात को ध्यान से समझो तो आपको बातें समझ आएगी, एक ने 25 भी लिखा है, वेरी गुड। क्लियर है भैया? अब देखो इसमें चेंजेस समझना है, करो भाई जल्दी बताना इस बार आंसर, बताओ फटाफट।
आकाश 50 कह रहा है, संदीप 50, राजेश भी 50 कह रहा है, पर भी 50 कह, इसका मतलब 50 ही होगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, वैसे मैंने आपको एक तरीका बताया था प्रॉफिट लॉस में भी, लेकिन फिर भी एक बार समझ लो। देखो एज है ए और बी की, यहां से 5 साल पहले 3-1, और ये है यहां से 5 साल के बाद 2-1। क्लियर है? अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक आदमी पहले 3 साल का था और वो 10 साल के बाद 2 का हो जाएगा, या फिर ये 1 का था, ये जीवन भर 1 का ही रहेगा? झंडू पंचारिष्ट खाकर जन्म ले रखा इसने भाई, झंडू पंचारिष्ट, उम्र बढ़ती उम्र मानो थम सी जाए। ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो कंडीशन देखो क्या है साफ साफ, तो इसका मतलब इस रेशियो में गड़बड़ी है। तो कभी भी आपको जब इनका डिफरेंस सेम बनाना हो इन दोनों रेशियो का, तो आप क्या करोगे, इसका डिफरेंस देखो 1 और इसका डिफरेंस देखो 2, इसके डिफरेंस से इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसके डिफरेंस से इसमें, मतलब 1 की मल्टीप्लाई इस रेशियो में करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई इस रेशियो में करने का मतलब, 1 की मल्टीप्लाई जैसे रेशियो में होगी तो ये तो 3-1 ही रहेगा, लेकिन 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 4-2 हो जाएगा। अब देखो ये पहले 3 का था, ये 4 का हो गया, तो 1 इंक्रीज कर गया, 1 का था 2 का हो गया, 1 इंक्रीज कर गया, इसका मतलब मामला डन है। अब देखो इनका गैप कितना है, वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था 10 साल का है, तो 1 की वैल्यू 10 साल है, ठीक है, तो इस 3 की वैल्यू हो जाएगी 30 साल और 1 की वैल्यू हो जाएगी 10 साल। ठीक है, तो अब देखो 2000, अगर ये 20 की बात है तो ये 2015 है और ये 2025 होगा, तो 2015 से 20 मारने के लिए 5 और जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब ये हो गया 35 का, और 5 और जोड़ना पड़ेगा इसका मतलब 15 का, 35 15 कितना हो गया भाई 50 साल। बात क्लियर है? अब कोई समस्या की बात इसमें नहीं है। ठीक है, देखो दरअसल
16 ईयर्स एगो रेशियो ऑफ 16 ईयर्स एगो एज ऑफ ए इज 8 टाइम्स मोर देन बी बट आफ्टर 8 ईयर्स एज ऑफ ए इज 3 टाइम्स टू बी फाइंड रेशियो ऑफ देयर एज There is 8 years ago. सोलह साल पहले ए की आयु बी से 8 गुना ज्यादा थी अब से 8 वर्ष के बाद ए की आयु बी से 3 गुना हो जाएगी तो 8 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात ज्ञात करें करो भाई
इस बार सीजल का जो पेपर हुआ था ना पहला, फर्स्ट सेट, ठीक है, फर्स्ट सेट में भी एज का एक क्वेश्चन था। वैसे मतलब हकीकत बताऊं तो एज पढ़ाने वढ़ाने लायक तो है नहीं टॉपिक, लेकिन फिर भी मैंने करा दिया एक दो क्वेश्चन कि आप जिससे थोड़े से फैमिलियर हो जाओ कम से कम, ठीक है। तो मैं आपको देखो, इसमें सीजल वाला जो सेट है इसमें फोर्थ क्वेश्चन आया था भाई एज का, ठीक है, इसे भी लिख दूंगा मैं अभी, तो आप कर लोगे। बिल्कुल सेम था जो मैंने कराया, बस इसमें अंतर क्या है, 4, 5 और 11, 13 का रखा था, करा देता हूँ उसे भी सेम, ठीक है, जो सीजीएल वाले में इसमें ही आया, सी वाले में। तो पहले तो एक बार इसे देखो आप, देखो ध्यान दो, ये प्रेजेंट है, नहीं बेटा राजेश का, आकाश का और संदीप का सी है शायद, ठीक है, देखो इधर, ये प्रेजेंट है और यहां से 16 साल पहले की बात है, 16 इयर्स पहले की बात है, तो ये 8 गुना ज्यादा थी। 8 गुना ज्यादा होने का मतलब है कि अगर ये ए है और ये बी है तो 8 गुना ज्यादा, इसका मतलब 1:9 हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट में। और फ्यूचर की जब बात करेंगे, फ्यूचर की जब बात करेंगे तो वो हो जाएगा कितना भाई, फ्यूचर की जो बात करेंगे, ठीक है, तो फ्यूचर की जो बात करोगे उसमें कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात को ध्यान से समझो, 3:1 तो हो गया, डन है। इसका डिफरेंस कितना भाई, 2, इसका डिफरेंस कितना भाई, 8, तो उल्टा करके करो गुणा, आपको बताया था मैंने अभी, ठीक है। तो जैसे उल्टा करके आप इसकी गुणा करोगे तो देखो यहाँ, जैसे ही 2 की गुणा करोगे तो 9 गुणा 2 18 और 2 गुणा 1 हो जाएगा 2, लेकिन इस 8 की गुणा जब नीचे करोगे, 8 गुणा 3 24 होगा और 1 गुणा 8 8 हो जाएगा। अब देखो 18 था, 24 हो गया, 2 था 8 हो गया, तो इसका मतलब कितना गैप हो गया, 6, कितना गैप हो गया, 6, ठीक है, लेकिन गैप 6 नहीं हुआ क्योंकि ये तो 8 साल के बाद होता, तो 16 और 8 24 हो गया, तो 6 की वैल्यू अगर 24 साल है तो 1 की वैल्यू 4 साल है, 1 की वैल्यू 4 साल है तो 18 की वैल्यू होगी 18 गुणा 4 72 साल, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 गुणा 4 8 साल, ठीक है, 2 गुणा 4 8 साल, क्लियर। अब आपसे क्या पूछा गया, 8 साल पहले की बात पूछ रहा है, तो देखो 2020 चल रहा है, चल रहा है 2020, तो 2020 से 16 साल पहले मतलब 2004 और 8 साल बाद 2028, लेकिन इसने जो ये एज निकल के आई 72 और 8, 72 और 8 जो उम्र है वो 2004 की उम्र निकल के आई, इसने हमारे से पूछा है कि आज से 8 साल पहले, तो आज कितना 2020 और 8 साल पहले कितना होगा 2000, कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखो 4 से 12 इत्तेफाक है, ये भी आरटी हो गया, ठीक है, तो यहाँ 8 जोड़ा 72 और 8 80 और 8 जोड़ा तो 16, तो ये 80 साल का, 16 साल का, तो इनका रेशियो कितना हो गया, 5:1 हो गया, 5:1 का रेशियो हो गया, क्लियर है। जो वो देख ले,
आ गया क्लियर। अब देखो 2000 जो किसमें हुआ था, 2019 में पेपर हुआ था जो 18 वाला, उसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, इसी टाइप का है बिल्कुल सेम, बस आपको करने की थोड़ी सी बात समझने की जरूरत है, पूरा क्वेश्चन आप समझ जाओगे, बड़ा सिंपल है। देखो चेंजेस देखते जाना, पहले तो ये 16 साल नहीं है, इस 16 साल की जगह इसने दे रखा है 4 साल, हमने कर दिया देखो यहाँ 4 साल, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, चार साल पहले रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 4:5, बट आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 8 ईयर्स है, 8 वर्ष के बाद बिल्कुल सही है। आठ वर्ष के बाद रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज या विल 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 बी 11:13, ठीक है भाई। व्हाट इज सम ऑफ देयर परसेंटेज, व्हाट इज द सम ऑफ परसेंटेज, फाइंड सम ऑफ परसेंटेज, सम ऑफ प्रेजेंट एज, ठीक है प्रेजेंट एज, क्लियर। तो ये हो गया 16 साल की जगह 4 साल, 4 साल पहले एक आयु बी पांच में थी, अब 8 से 8 वर्ष के बाद बी की आयु 11:13 हो जाएगा, तो वर्तमान आयु का योग, 4 जून का पेपर है 2019 में जो हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट, जल्दी बताओ आंसर। देखो समझ आई बात, ये मतलब क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ी सी बात को समझने की जरूरत है, ठीक है। पर रेशियो तो दिया गया, तो रेशियो 4:5 है और 11:13, ठीक है, तो इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 1, तो दोनों पर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये हो गया 8:10 और ये हो जाएगा 11:13, तो अंतर देखो यहां भी 3 का और यहां भी 3 का, ठीक है। अब देखो
ये प्रेजेंट की लाइन है, इससे 4 साल पहले और इसके 8 साल बाद, तो 8 और 4 पूरा गैप 12 का हो गया। तो 3 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 4, 8 की वैल्यू 8 गुणा 4 8 चौक 32, 10 की वैल्यू 10 गुणा 4 40, ठीक है। तो ये 32 हो गया और ये 40 हो गया, ठीक है भाई। 32 और ये 40, तो इसका 4 साल पहले 32 का था, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 32 और 4 36, और ये 44 का हो जाएगा। तो 44 और 36 जोड़ोगे, 4 निकाल के इसमें जोड़ दोगे, 40 हो जाएगा, 40 40 हो जाएगा 80 साल, ठीक है। दे तो थी बेटा, दे दी दे दी भाई, वो बताओ, क्लियर है भाई? चलो अब तो कर लोगे क्वेश्चन ऐसा। अरे देर आर 600 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड एवरेज एज ऑफ क्लास इज, एवरेज एज ऑफ क्लास इज 11 ईयर्स 9 मंथ्स, 11 ईयर्स 9 मंथ्स एवरेज एज ऑफ बॉयज इज, एवरेज ऑफ बॉयज इज 12 ईयर्स, एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज 11 ईयर्स। फाइंड नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एक कक्षा के 600 छात्रों की औसत आयु, औसत आयु 11 वर्ष
नौ महीने हैं, 9 महीने हैं, यदि लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष, लड़कियों की 11 वर्ष हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। उल्टा लिख दिया रवि। आप ठीक है, संदीप सही है। देखो इसमें आप क्या कर सकते, देखो थिंकिंग है, मैं आपको बोल रहा हूँ जो आपको आपने प्रैक्टिस किया, जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। आप लोग एक बार बस देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्लियर है। तो अब एक बात देखो, जो बॉयज हैं और जो गर्ल्स हैं, बॉयज और गर्ल्स को मिलकर क्लास बनती। और मैंने आपको क्या बोला था कि साहब दो सेम टाइप की चीजें, दो टाइप की चीजें हैं, उसे आपने मिलाकर तीसरे टाइप के बनाए, एलिगेशन लग जाएगा। तो क्लास जो बनेगी वो कैसे कैसे बनेगी, या तो बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर क्लास बनेगी, या फिर पास स्टूडेंट फेल स्टूडेंट्स को मिलाकर क्लास बनेगी। तो क्लास जो पार्ट बनता है, जो रीजन है, बस वो इस बात को समझने का है थोड़ा सा, कि जो क्लास जैसे बन रहा है, जो भी पोर्शन बनता जाएगा उसी तरीके से हम यूज करते जाएंगे। तो बॉयज की एवरेज 12 साल और गर्ल्स की 11 साल, इन दोनों को मिला तो इनके बीच का आ गया 11 साल और 9 महीने। अब आप इसे देखो, इसे आप 11 साल और 12 महीने कह सकते हो, 12 साल को, ठीक है। तो इसका गैप तो 9 हो गया और इसका गैप हो गया 3, तो रेशियो 3:1 का हो गया, टोटल 4। मतलब अगर बॉयज अगर 3 होंगे क्लास में तो गर्ल्स होगी 1, तो टोटल 4, और 4 की वैल्यू होगी 600, तो 1 की वैल्यू 150, तो इसको मतलब 150 होगी लड़कियां, और 15 गुणा 3 45, तो 450 हो जाएंगे बॉयज।
गर्लिस 150 और बॉयज कितने होंगे? 450, मतलब गर्ल्स होंगी 150, बॉयज होंगे 450। चेक करो, समझ आई बात? मतलब अप्रोच देखनी है, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। सबसे पहले वही है, तो आप एज पढ़ रहे हो, रेशियो ही तो है सारा। तो रेशियो में जो इतने पार्ट होता, मतलब आप एज की क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं कर लोगे? मतलब पहले प्रेजेंट, प्रेजेंट की एक डेडलाइन दे देंगे, उससे ऊपर पास्ट ले लेंगे, उसके नीचे फ्यूचर, और बस उड़ा देंगे सारे क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और देता, चलो मैं आपको, जब अगर ऐसी बात करते थोड़ा सा रिलेट करके, हिंदी में लिखूंगा पहले मैं। पुत्र वह उसके पिता की, वर्तमान आयु का अनुपात 1:5 है एवं उसके माता व पिता की आयु का अनुपात 4:5 है, 2 वर्ष के बाद पुत्र एवं उसकी माता की आयु का अनुपात 3:10 हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अंग्रेज रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 5:1 एंड रेशियो ऑफ एज ऑफ हिज मदर एंड हिज फादर इज 4:5 आफ्टर 2 ईयर्स रेशियो ऑफ एज ऑफ रेशियो ऑफ एज ऑफ सन एंड हिज मदर विल बी 3:10। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर।
देखो अब एक बात समझो ध्यान से, मैं इसे यहां कर देता हूं। देखो जो सन और फादर की एज है, सन की और फादर की, तो देखो वहां 1:5 है, तो सन एक है तो फादर 5 है, बिल्कुल 35 ईयर्स जितनों का बिल्कुल से है। एक ने 70 साल का पिताजी बना दिया, वाह मेरे शेर। देखो इधर 1:5, फिर देखा उसकी माता पिता की, देखी तो माता की 4 है तो पिता की 5 है, मतलब उसके फादर की 5 है तो मदर की 4 है, तो मदर की हमने यहाँ 4 लिख लिया। क्लियर है? तो ये रेशियो है, तो रेशियो है तो इसका मतलब किसी ने किसी पार्ट के मल्टीप्लाई होगा, तो हमने सबको ए ए ए रख लिया। कि अगर लड़के की ए है तो फादर की 5 होगी, मदर की 4 ए होगी। अब फिर वो कह रहा है देखो 2 वर्ष के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, इसका मतलब जो लड़का है वो A+2 का हो जाएगा, और जो उसकी माता जी हैं वो 4A+2 की हो जाएगी, और इनकी जो रेशियो का आया एज का वो 3:10 आया, तो इसका मतलब बराबर कर दिया 3/10 के। क्रॉस प्रोडक्ट करा दोगे, क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो कितना हो जाएगा, 10A+20 और बराबर किसके होगा भाई, 12A+6। इस तरफ लाएंगे तो 2A और इस तरफ लेकर आएंगे तो 14, तो A बराबर 7 आ गया। अगर A बराबर 7, इसका मतलब जो लड़का है वो 7 साल का है, उसके जो पापा हैं वो 35 साल के हैं, और उसकी जो माता जी है वो 28 साल की है। बस उसके पापा की पूछी तो 35 ईयर्स आंसर। अब सारे बताओ क्या आप ऐसे एज के क्वेश्चन नहीं कर सकते, जल्दी बोलो फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा यहां, जल्दी बताओ क्या ऐसे एज के क्वेश्चन तुम नहीं कर सकते, बेशर्मो फटाफट बोलो, अब कर लोगे ना, आसान होता, बहुत आसान होता, ठीक है, और मैंने आपको दिखाया कि यहां आसान होता कि नहीं होता, चेक करके देखो आप, बोलो। ठीक है, मैंने तो बस आपके दिल की संतुष्टि के लिए पढ़ाया कि हाँ तुम लोगों को लगे कि हाँ सर हमने पढ़ लिया, और हाँ हमें सर ने पढ़ाया था ऐसे रेशियोज के तरीके बता दिए थे, कर लेंगे सर, सारे बताओ, सारे लिखेंगे, प्रभु लिख रहा है भी कर लेंगे। जल्दी बोलो, अरे बेटा मेंस में 70% क्वेश्चन होते प्री वाले, ठीक है, मतलब 100 में से 70 क्वेश्चन है अप्रोक्स, मामला होता 30 क्वेश्चन का गेम, ठीक है, 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सर के ऊपर से सन 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 निकलने वाले होंगे, मतलब जिसने बढ़िया प्रैक्टिस कर रखी होगी वो हिलाएगा उन 10 क्वेश्चन को। 20 क्वेश्चन होते मॉडरेट, बात समझ आती है, 20 क्वेश्चन होते मॉडरेट पार्ट पे, तो वो थोड़ी थोड़ी सी बातें समझने की जरूरत है और कुछ खास नहीं। मॉडरेट कैसे, जैसे ट्रिगो के साथ एलजेब्रा मर्ज कर दिया किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में जैसे प्रॉफिट लॉस है उसके साथ परसेंटेज घुसा दी, प्रॉफिट लॉस है CISI आ गया, ठीक है, तो उसमें मर्ज करके जो क्वेश्चन बनेगा, मतलब दो टॉपिक के क्वेश्चन या तीन टॉपिक का क्वेश्चन यूज करके एक क्वेश्चन दे देगा, जैसे मेंसुरेशन और ज्योमेट्री घुसा सकता है एक जगह, ज्योमेट्री के साथ में ट्रिगो ले सकता है, जैसे साइन रूल को साइन रूल का यूज करना सिखाता है, ठीक है, वो पार्ट यूज हो सकता है साइन रूल को साइन रूल वाला पार्ट, तो साइन रूल को साइन रूल ज्योमेट्री में भी यूज होता, साइन रूल को साइन रूल ट्रिगो में भी यूज होता, तो इसका मतलब उन दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन बनाया जा सकता, तो वो पार्ट मॉडरेट लेवल का होता। ओके आकाश, मॉडरेट लेवल का मतलब तो समझ गए होंगे ना, मॉडरेट मतलब थोड़ा बहुत उसे घुमा दिया गया क्वेश्चन को, गुगली दी गई गुगली। क्लियर है? देखो टीचर कंसेप्ट बता सकता, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के लिए आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज देखो,
ठीक है, कोई सी भी टेस्ट सीरीज लो, उसके क्वेश्चंस करो, उस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस जो आपसे हो जाते हो बहुत अच्छी बात है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते उसके लिए एक प्रॉपर रजिस्टर बनाओ, ठीक है, उस रजिस्टर में बैठाओ, और जो क्वेश्चन हो गया उसे तो करना नहीं दोबारा, लेकिन तीन कंडीशंस बनेंगी। चलो सुन लो, तुम पेपर है तुम्हारा इस वजह से बता दे रहा हूं, ठीक है, तीन कंडीशंस बनती, या तो क्वेश्चन आप सोल्व कर दोगे सही, या क्वेश्चन आप गलत करोगे रॉन्ग, या फिर बेटा तुम्हें हवा ही नहीं आएगी क्वेश्चन में, यही तीन स्थितियां बनती, इससे ज्यादा नहीं बन सकती, या तो क्वेश्चन सही होगा, या क्वेश्चन गलत होगा, या फिर क्वेश्चन होगा ही नहीं, पढ़ोगे पता नहीं चलेगा हो क्या रहा है, ठीक है, अगर सही हो गया तो पेपर में भी सही होगा, बचेगा नहीं, लेकिन अगर गलत हुआ तो चेक करने की जरूरत है कहां गड़बड़ की, और जिस पे हवा नहीं आई उसे देखो कहां हवा नहीं आ रही, बात समझ आ रही है। इन दोनों के लिए एक प्रॉपर रजिस्टर बना लो, एक प्रॉपर कॉपी ले लो, उसमें आप क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखो, क्योंकि आप एक बार जब रिवाइज करोगे तो उसी टाइप के क्वेश्चंस में आप हो सकता है दोबारा से फंसे, तो दोबारा से फंसो तो उससे बेटर है कि आप एक बार उसे रिवाइज मार दो तो आंसर आ जाएगा, ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जब और कोई सा भी पार्ट है, जब देखो अब जो पार्ट चल रहा है, जैसे जो सीजीएल दे रहे हैं इसमें तुम्हारे वाले में से जो सीजीएल दे रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि अब एक तरफ से प्रैक्टिस सेट लगाया जाए, सिर्फ प्रैक्टिस सेट, ठीक है, थोरोली नहीं पढ़ना अब आपको, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो क्लास ले लो, ठीक है, उसके बाद थोरोली बिल्कुल नहीं पढ़ना, आपको एक सेट रोज लगाना है, आप हंस के लगाओ, रो के लगाओ, जी के लगाओ, मर के लगाओ, वो साफ की सिरदर्दी है, ठीक है, लेकिन एक सेट लगाए बिना आपका काम नहीं चलना, ठीक है। आप ऑनलाइन परमानेंट लगा सकते, तो एक बुक ले लो, एक ऑनलाइन लगा लो, एक ऑफलाइन लगा लो, ऑल्टरनेट डेज पर लगा लो, ठीक है, और टेस्ट सीरीज के बिना तो देखो पॉसिबल ही नहीं है, मैं आपको फिर वही बात बोल दे रहा हूं, एक बार नहीं कई बार बोलवा लो चाहे आप मेरे से ये बात, ठीक है, आप टेस्ट सीरीज जरूर लो, ठीक है, किसी भी सेक्शन पे लो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि आप टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, बात क्लियर है, ठीक है। प्री के पूरा पार्ट पहले क्या करो, पहला प्री के जो प्रीवियस ईयर्स के हैं, जो जैसे 18 वाला पेपर हुआ 19 में, तो वे सारे सेट खत्म करो सबसे पहले स्टार्टिंग में, उससे आपको पता चलेगा लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, फर्स्ट, सेकंड में, फिर आप उससे पिछले साल के करो, फिर उससे पिछले साल के करो, या तो इस तरीके से करो आप, अगर आप दो दो सेट लगा सकते, तीन तीन सेट लगा सकते तो बहुत अच्छा है, देखो सिंगल सेट तो हर कोई लगाएगा, मतलब वहां तक तो आपको पहुंचने पहुंचना है, अगर आप उससे ज्यादा एफर्ट डाल पाओगे, दो सेट, तीन सेट, चार सेट, पांच सेट लगा पाओगे, तो वो काम करेगा, सोने पर सुहागेगा, मेरी बात आपको समझ रही है, मतलब जितना ज्यादा आप पढ़ कर जाओगे उतना आपको फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा उस चीज का। आपको कोई और क्वेश्चन आप मेरे से पूछना चाहते हो तो बेफिक्र होकर बेझिझक हो लेकर पूछ ले जो पूछना है, बिल्कुल, पर वो 100% कराऊंगा, छोड़ ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता कि छोड़ दिया जाए, कोई दिमाग में क्वेश्चन उठता हो कि हाँ सर ये बात थोड़ा सा बता दी जाए तो ज्यादा बेटर होगा तो आप पूछ लो भाई, आई डिस्टेंस निश्चू बेटा करा रखिए, एक बार आप चेक करो उसमें क्लासेस, और अगर तब भी कोई डाउट आता तो पूछ लेना, लास्ट में एक डाउट सेशन जरूर लेके जाऊंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। सेट की साइट, सेट तुम्हें कुछ तो ट्यूब के साथ में मिले होंगे, जो बैच के साथ में मिले होंगे, ठीक है, वहां से ले लो, ठीक है, जो वीकली फ्री है ना शायद एक टेस्ट, हाँ वीकली एक टेस्ट फ्री है, वीकली तो आप ले सकते फ्री, लेकिन अगर वीकली में इतना टाइम बचा नहीं है तो टेस्ट सीरीज का क्या है, पर प्राइस वगैरह एक बार थोड़ा सा बताओगे मुझे, ज्यादा नहीं है मतलब 150 या 250 हद मार के इतनी होगी, मतलब पीजे के प्राइस से कम में आ जाएगी, ठीक है, बाबू सोना को पिज्जा खिला सकते हैं ना तुम बैठा गए, तो अपने फ्यूचर के लिए एक टेस्ट सीरीज भी नहीं ले सकते 200 रुपए की या 100 रुपए की, 150, 200, 300, हद मार के 300 से ऊपर तो किसी हालत में नहीं होगी, ठीक है बेटा। ट्यूब की जो टेस्ट सीरीज है ना, मैं लो तुझे दिखा देता, वैसे मैं बोलता नहीं प्रचार में कम करता थोड़ा सा, लेकिन जब तुम बोल देते ना ऐसी बात तो फिर मुझे मजबूरी में उठाने पड़ते हथियार। देखिए देख, तुम्हारा रैंक फर्स्ट है कौशिक राज, रैंक सेकंड है आशीष जे ओनट, 28 है रजत द्विवेदी, ठीक है, ये देख, इसके बाद देखिए सारे जितने भी ये फोटो लगे जो टॉप वाले के, ये सारे के सारे ना एसएससी सीजीएल वाला जो पार्ट है एसएससी ट्यूब पे, सबने उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई थी, ये चेक कर लो आप, डेटा है बिल्कुल फैक्ट, ये बता सकते कितनी डेट को ज्वाइन की थी, कितने बजे ज्वाइन की थी, ठीक है, ये भी अपने पास से मिल जाएगा, कोई से को पूछना हो तो मेरे से पूछ लेना, बात समझ आ रही है। तो मैं मतलब ये ट्यूब का प्रचार मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो टेस्ट सीरीज के मामले में है तो इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, बस ये बात समझ लो, ठीक है, आप टेस्ट देकर देखो आपको पता चल जाएगा,
देखो 100 150 200 रुपए में ऐसा नहीं है कि हमारा घर चल जाएगा, हम मतलब आग लगा देंगे माहौल में कि 150 रुपए में हमने टेस्ट सीरीज भेज दी तो इसका मतलब है कि हम इतने मालामाल हो जाएंगे। भाई जितना कंटेंट वाले इतने टीम जो बैठी रहती है, 150 रुपए में कुछ भी नहीं होता है, बस वो आपका जितनी उसकी कॉस्टिंग आ रही उतने में ही आपको दे दिया जा रहा है, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो आप एक बार उसे चेक करके देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और उसकी टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता, चाहे आप कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर डाल के पूछ लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। पूछो और पूछो, कोई सा कुछ पूछ रहा था। मिलवा देंगे भाई, बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ, सॉल्यूशंस भी होंगे? सॉल्यूशंस है ना? हाँ सॉल्यूशंस हैं, सब कुछ है इसमें, सॉल्यूशन है बेटा, सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ आपको ऑलरेडी टेस्ट सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये टेस्ट भी जो अगर मान लो आपने ये बुक परचेज कर रखी है, तो इस बुक के टेस्ट भी इसके लिए आपको परचेज नहीं करना है। अगर आपने ये बुक परचेज कर रखी है, तो इसमें भी QR कोड दिया हुआ है। ठीक है, ये QR कोड हर सेट पे दिया हुआ, आप इसे भी ऑनलाइन दे सकते हो। ठीक है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस ऑनलाइन करना चाहते हैं, इसे भी दे सकते हो। देखो ये QR कोड दिया हुआ है कॉर्नर पे, यहां से इसे स्कैन करके, और यहां से भी आप इसे भी इस टेस्ट को मतलब ऑफलाइन तो कर ही लो, लेकिन ऑफलाइन के बाद अगर इसी को ऑनलाइन देना तो ऑनलाइन भी दे सकते हो, तो आपको ऑल इंडिया रैंक पता चल जाएगी अपनी कितनी रैंक आई है, इसे भी दे सकते हो। लेकिन अगर आपने ये बुक परचेज की, तो फिर मतलब ये जो 22 सेट है ये तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, उसके एक्स्ट्रा की बात पूछ रहे हैं संदीप मेरे से, उस एक्स्ट्रा के लिए बताया था मैंने। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगली क्लास में मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू, नाइस टू मीट यू।